छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छिंदवाड़ा में पेट्रोल डीजल और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम को लेकर विधायक सोहन बाल्मीकि समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ने से जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए इस बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर बढ़ती महंगाई को काबू में नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके द्वारा आदेशित किया गया था कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में पेट्रोल डीजल की जो महंगाई केंद्र सरकार भाजपा की जो बढ़ाई हुई है उसका हर पेट्रोल पंप में जाके विरोध प्रदर्शन अपना करना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर एकजुट होकर हमारे परासी विधानसभा में जितने पेट्रोल पंप है उन सभी पेट्रोल पंप ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ में। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य तेल की जो कीमतें बेतहाशा बढ़ी है उसके विरोध में हम सभी लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है। जैसा कि विधायक जी ने बताया, निश्चित तौर पर जनता के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ रही है और जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। इन सभी बातों को लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया के तत्वान में आज राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। निश्चित तौर पर अगर ये महंगाई कम नहीं होगी तो ये तीव्र आंदोलन किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।